हरियाणा में 10 साल सरकार अपना पूरा करती है, उससे पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला। देखिए, बदला बदली से नहीं बच पाएंगे, चाहे भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला, चाहे भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अब तो जनता ही सरकार बदलेगी। जनता 10 साल हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने, हरियाणा को पटरी से उतार दिया, विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने, तो जनता हिसाब मांग रही है। भाजपा सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रही है, इसीलिए कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की कल घोषणा करी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और मैं स्वयं इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में जाऊंगा, हर विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा, और इस अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर इस सरकार से हिसाब मांगेंगे 10 साल का। अभी तो सरकार के ये कैबिनेट की बैठक नहीं है, अब तो आखिरी महीने चंद महीने दो महीने की बात रह गई, अब तो ये कैबिनेट की बैठक जो ये फैसले किए जाएंगे वो करने तो अगली सरकार को है, ये तो भाजपा के घोषणा पत्र बनाने की बैठक इसको आप मानो, कैबिनेट बैठक नहीं, भाजपा घोषणा पत्र बैठक इसको मैं करार करता हूँ। और भाजपा के घोषणा पत्र तो ना 2014 में पूरे किए गए, तो इनकी सरकार बनी 2019 में पूरे नहीं किए गए, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता 9000, कहाँ है 5100 बुढ़ापा पेंशन, कहाँ है 75% हरियाणी युवाओं को प्राइवेट नौकरियों के अंदर प्रावधान, कहाँ है ओल्ड पेंशन, कहाँ है पंजाब स्केल हमारे कर्मचारियों के लिए, ये इनकी सारी घोषणाओं का हिस्सा था, कहाँ है किसान की आमदनी दुगनी, स्वामीनाथन कमीशन, तो इन्होंने पहले ही अपनी कोई घोषणा पूरी नहीं करी। अब तो ये जो है आज जो कैबिनेट बैठक हो रही है और आगे जो होगी उससे कोई उम्मीद नहीं है।